देखिए बेटा, अपन देख रहे थे चैप्टर द टाइगर ऑफ अरे इसी को बैठ जा, मैं टाइगर बैठूंगा ना तो खड़ा हूँ। पेज नंबर कौन सा है भाई? She also knew something which made the people process more complicated. इसके बीच में से चलेगा। What no one had ever done before. यही है ना बेटा? देखिए ऊपर से देखिए, she did what no one had ever done before. उसने वो काम किया था जो आज तक कोई कर नहीं सका था। रिकॉर्डेड है ये, छोड़ दे इसको चले मत। She had such power, influence and force of character, ये पढ़ा दिया था मैंने। उसके पास ऐसा प्रभाव था, ऐसी ताकत थी और चरित्र का प्रभाव भी था, as well as plenty of gold, यानी चरित्र का प्रभाव तो उसका सोने से सोने जैसा था। That she did what no one had ever done before. और इन्हीं सभी प्रभावों के कारण उसने ऐसा काम कर लिया था जो आज तक कोई नहीं कर सका। उसने ऐसा काम कर दिया था जो आज तक कोई नहीं कर सका। क्या कर दिया था? She found out the secret of the doors for that day. उस दिन के लिए दरवाजों का रहस्य उसने फाइंड आउट कर लिया था। उस दिन के लिए दरवाजों का रहस्य का क्या था, मतलब कौन से दरवाजे के पीछे चीता था और कौन से दरवाजे के पीछे वो लेडी की महिला थी, ये बात उसने पता कर ली थी। कैसे पता की? अपने प्रभाव से, अपनी ताकत से, और प्रभाव और ताकत के साथ साथ अपने करैक्टर के पावर से। राजकुमारी थी, राजा की लड़की थी, क्या नहीं कर सकती थी। तो उसने उस दिन के लिए दरवाजे के रहस्य का पता कर लिया। सीनिंग इन विच रूम स्टूड द हंग्री टाइगर, वह इस बात को जानती थी कि कौन से कमरे में वो भूखा चीता खड़ा है, यानी कौन से कमरे में वो भूखा चीता था, एंड इन विच वेटेड द लेडी, और कौन से कमरे में लेडी वो महिला इंतजार करती थी। कौन से कमरे में महिला इंतजार कर रही थी, कौन से कमरे में वो भूखा चीता था, ये दोनों रहस्य उसको पता चल गया था। She knew to that the doors were so thick. वो ये भी जानती थी कि दरवाजे इतने मजबूत हैं, दरवाजे इतने मोटे हैं, that there was no way anyone could ever hear some in from behind them. इतने मोटे हैं कि दरवाजे के पीछे से कोई व्यक्ति हिंट तक नहीं सुन सकता कि भाई चीता है। जब टाइगर है तो कम से कम वो थोड़ा दाड़ेगा ही, लेकिन चाहे वो कितना ही तेज दाड़े, दरवाजे के बाहर उसकी आवाज का इशारा तक नहीं मिल सकता किसी को कि यार इसमें चीता है। या लड़की चाहे कितना ही जोर से चिल्लाए, आवाज लगा, लेकिन उस लड़की की आवाज भी उस दरवाजे से बाहर नहीं आ सकती।
मतलब दूसरे लोगों के लिए इट वॉज नॉट पॉसिबल. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अदर पीपल टू फाइंड आउट एनी टाइप ऑफ द हिंट अबाउट द सीक्रेट ऑफ द डॉर, कि व्हाट इज द डॉर बिहाइंड देयर वॉज ए लेडी एंड व्हाट वॉज द डॉर बिहाइंड दिस देयर वॉज ए हंग्री टाइगर. ये पता नहीं चल सकता था किसी. She knew too that the dogs were so thick that there was no way anyone could even hear some hint from behind room if she were going to warn her lover. यदि वो अपने प्रेमी को चेतावनी दे दे, यदि वो क्या कर दे, अपने प्रेमी को चेतावनी दे दे, she would have to do it by signal. यदि उसको अपने प्रेमी की सहायता करनी है तो वो संकेत के द्वारा कर सकती है. कोई तो दरवाजे हैं, ऐसे कर देगी इधर वाला, ऐसे कर देगी इधर वाला, कर सकती है ना. तो उसने, अब देखिए क्वेश्चन बनता है जो मैंने पहले बताया था आपको, कि राजकुमारी इस स्पेक्टिकल को मिस क्यों नहीं कर सकती. She didn't want to miss the spectacle because first her lover was going to be tried on that day, and second she had got the secret of the doors and she could help her lover. Yeah. She could affect the judgment for that. उस दिन के लिए जो जजमेंट था, उस जजमेंट को वो क्या कर सकती थी, अफेक्ट कर सकती, प्रभावित कर सकती, इसलिए वो दिन मिस नहीं करना चाहती थी. If she were going to warn, तो उसको सिग्नल बताना होगा. She also knew something which made the whole process more complicated. अभी आप लोगों के भी समझने की बात है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. ये सारे लड़के और लड़कियां जितने भी बैठे हैं, सोच समझ कर बात को पढ़ते रहना, एक एक चीज को समझते हुए आगे चलना. लेकिन एक चीज ने जो उसने किया, उसने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया. अरे इस मास्क को लगा ले, और भी ज्यादा जटिल कर दिया इस पूरी प्रक्रिया को, और ज्यादा जटिल बना दिया. कैसे? She knew that the lady was one of the most beautiful maidens in the whole country. वह इस बात को जानती थी कि जो लड़की है, कमारी लड़की जिसको वहां लाया गया है, वो इस पूरी की पूरी राजधानी की या उसके राज्य की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की, सबसे ज्यादा क्या थी, खूबसूरत लड़की थी. एंड द थॉट ऑफ अ यंग मैन लिविंग विद दिस वुमन एनरेज्ड हर. और उसके प्रेमी का उस महिला के साथ रहने वाले विचार ने उसको क्रोधित कर दिया. यानी उसके दिमाग में है कि प्रेमी तो मेरा है, लेकिन अब रहेगा इस औरत के साथ या इस लड़की के साथ, नहीं, मैं इसको कैसे बर्दाश्त कर सकती हूं. क्रोधित हो गई, मेरा प्रेमी इसके साथ कैसे रह सकता है. एक तो विचार ये हो गया, दूसरा देखिए, सी हेटेड द लेडी and hated what might happen. उसने उस लड़की से घृणा की, बहुत ज्यादा घृणा, और उसके बाद में जो होने वाला था उन चीजों को सोचकर भी उसको बहुत घृणा आई, कि मेरा प्रेमी, जो मेरा प्रेमी था, वो इस औरत का पति बनकर रहेगा. यानी जिसको
मेरे पास होना चाहिए वो उसके पास होगा। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? मैं कैसे सहन कर सकती हूं कि मेरा प्रेमी किसी दूसरी औरत का पति बन जाए, या जिसको मैं चाहूं वो किसी और का हो जाए? हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है? इस विचार मात्र ने उसको क्रोधित कर दिया और उसने सोचा कि ऐसा तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरा मेरा प्रेमी और किसी और का हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगी। दूसरी बात, When the accused got to the royal box, वो लड़का इतना सुंदर था, उस राजकुमारी का प्रेमी था और राजकुमारी ये कभी नहीं होने दे सकती कि उसके प्रेमी प्रेमी की ऐसी दर्दनाक मौत। इस बात को वो सहन कर सकती थी क्या? यानी वो अपने प्रेमी के लिए कुछ भी कर सकती थी। जब उसने अपने प्रेमी को बचाने के लिए इतना बड़ा खेल खेल लिया कि दरवाजे का सीक्रेट जो आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया उसने प्राप्त कर लिया, तो क्या वो अपने पति को मरने देगी क्या? सॉरी, प्रेमी को नहीं मरने देगी। When the accused got to the royal box, ध्यान देना, जैसे ही वो accused आया, उसका प्रेमी लाया गया, उसने रॉयल बॉक्स के सामने गर्दन झुकाकर नमन किया, यानी राजा को नमन किया। एज बोथ का कस्टम जो कि रिवाज था कि कोई भी क्रिमिनल जब एरेना में आएगा तो आते ही सबसे पहले महाराज को प्रणाम करेगा, जैसा कि रिवाज था, रिवाज के अनुसार ही ऐसा उसने किया। He looked only at the princess. तो महाराज की तरफ नमन करते समय उसने सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी की तरफ देखा, सिर्फ राजकुमारी की तरफ देखा। एंड इनिशियली ही न्यू, और तुरंत उसको इस बात का पता चल गया, ही हैड एक्सपेक्टेड टू हर टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द टॉप, क्योंकि वो जानता था कि उसकी प्रेमिका राजकुमारी है और उसको पूरा पता था कि उसकी प्रेमिका यानी कि वो राजकुमारी उसके लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए दरवाजे का जो सीक्रेट है वो क्या कर लेगी, फाइंड आउट कर लेगी। उसको विश्वास था, इसलिए जब उसने महाराज से नमन किया, प्रणाम किया, उस समय उसकी निगाहें सिर्फ कांती राजकुमारी की तरफ और उसको तुरंत पता चल गया कि राजकुमारी को पता है। He had expected her to find out the secret of the loss, and now he knew that she had the answer. It was only left for her to tell him. It was only left for her to tell him. उसको इस बात का भी पता था कि राजकुमारी को सीक्रेट पता है, और उसको इस बात का भी पता था कि राजकुमारी उसको सीक्रेट बता देगी। कैसे? His quick glance ate her asked which. उसने अपनी राजकुमारी की तरफ देखा और आंखों ही आंखों से पूछ लिया, कौन सा? ऐसे नहीं, मतलब आपने सुना होगा कई बार कहते हैं कि आंखें आंखें भी जो है वो भी क्या करती है, बातें करती है, मतलब आंखें भी बयां करती है, आंखें भी बातें बात करती है, आंखों से भी बातें होती है, और आंखें वो बातें कर जाती है जो मुंह नहीं कर पाती, यानी बहुत बड़ी बड़ी बड़े बड़े काम आंखें कर देती है। आपने देखा होगा घर पे मेहमान आए, जैसे ही मेहमान आए मेहमानों के लिए नाश्ता रखा, अब छोटे बच्चे होते हैं थोड़े शरारत छोटे, तो बच्चा आ गया नाश्ते की तरफ आ जाता है छोटा,
अब माँ ये कहे कि नहीं बेटा तू नहीं खाएगा, तू नहीं खाएगा तो गेस्ट के सामने इंसल्ट हो जाए, होगी कि नहीं होगी। लेकिन माँ कुछ नहीं करती, माँ ने कुछ नहीं किया, माँ ने बच्चे को ऐसे देखा और बच्चा यानी आंखों ने वो कर दिया जिसको करने के लिए मुंह की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये बात सत्य है कि आंखें भी वो काम करती है, वो बात कहती है, बता देती है, जता देती है जो कि वो करता है। और कई बार तो मुंह से कहने के बाद भी बच्चा मानता नहीं है, लेकिन आंख देखकर वो तुरंत घबरा जाता है कि पता नहीं माँ का जो टेम्परेचर है वो कौन से आसमान पे जाने वाला है। और कई बार तो बस इतना बोलते हैं मोहित, इतने में बोल, और वो भी क्यों बोला जाता है शब्द, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि मेरी आंखों को देख, आंखों को जैसे वो आंखों को देखता तो समझ जाता है कि मम्मी का क्या मूड है और पापा का क्या मूड है। चलो आगे चलते। तो जैसे ही उसने दृष्टि डाली अपनी प्रेमिका पर, राजा से प्रणाम कर रहा था और दृष्टि किस पे थी, राजकुमारी, और दृष्टि ही दृष्टि में आंखों ही आंखों से पूछ रहा था कि बता कौन सा बोलू, मतलब आंखों से ही पूछा कि कौन सा। इट वॉज ए प्लान एज इट ही हैड शाउटेड, यानी उसने आंखों के इशारे से ही स्पष्ट रूप से राजकुमारी से पूछ लिया था, मतलब वैसे ही पूछ लिया था जैसे वो जोर से चिल्लाकर पूछे कि राजकुमारी जी बताओ कौन सा बोलूं, ऐसे पूछने के बाद वो बता दी। इतना स्पष्ट रूप से उसने आंखों से पूछ लिया कि बताओ कौन सा। देयर वॉज नो टाइम टू लॉस, द क्विक क्वेश्चन हैड टू बी आंसर्ड जस्ट एज क्विकली एज दैट द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट। बिल्कुल भी समय नहीं खोया गया, समय बर्बाद नहीं किया गया। और जैसे उसने क्वेश्चन पूछा, मतलब जिस आतुरता के साथ, जिस शीघ्रता के साथ, जिस फुर्ति के साथ उसने क्वेश्चन पूछा, उसी फुर्ति के साथ उसको जवाब भी दे दिया गया और बड़े तरीके से जवाब दिया गया कि महाराज को शक न हो जाए, उसको तुरंत आंसर दिया गया। Her right hand was resting on a pillow in front of her. यानी राजकुमारी के सामने उसका राइट हैंड उसके तकिए पे पड़ा हुआ था। तकिए का मतलब जानते हो ना, जब राजा महाराजा बैठते हैं तो गर्दन के लिए अलग सारा, पीठ के लिए अलग सारा, जहां से बैठे हैं वहां तो सारा है ही, और पीछे सारा, मतलब हर चीज सारे पे टिकी होनी चाहिए। जूते जहां रख रहे हैं वहां सहारा। तो राजकुमारी जहां बैठी हुई थी उसके सामने तकिया पड़ा था, पिलो, उसके ऊपर उसका हाथ रखा हुआ था। क्या हुआ, फास्ट मूवमेंट टू द राइट, उसने तुरंत अपने दाहिने वाले हाथ को फास्ट मूवमेंट किया, यानी कि ऐसे करके ऐसे करके, तो समझ गया राइट को बोलना है, समझ गया है ना, वो इशारा ही तो करना था। अब राजा ऐसे तो नहीं कर सकता, तूने कान को क्यों पकड़ा ऐसे करके, नहीं कर सकता ना। अब वो यदि ऐसे करे और ऐसे रखे तो दुनिया समझ जाए कि ये इशारा कर रही है। लेकिन उसने तुरंत, जैसे ही उसने आंखों आंखों से पूछा, उसने तुरंत हाथ से ऐसे करके ऐसे वापस रख दिया, यानी कि लोगों फास्ट करके रखा ऐसे, तो लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। और उसने उसको जवाब दे दिया कि तेरे को कौन सा वाला गेट खोलना है। Her right hand was resting on a pillow. In front of her, she rested slightly. उसने rest slightly, धीरे से इसको ऊपर उठाया, and made a small fast movement to the right. और right वाला जो दरवाजा था उसकी तरफ उसने fast movement पे बता दिया। No one but her lover saw her. ऐसा करते हुए उसको किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसके प्रेमी ने देखा, क्योंकि प्रेमी की तो नजर ही उसी पे थी। वही बचाएगी, वही बचाएगी, उसी को पता था, वरना हम मरने से कौन, या तो किस्मत बता सकती है या फिर वो बचाएगी। तो प्रेमी ने अपनी नजरें बिल्कुल अपनी प्रेमिका पर गड़ा रखी थी, और जैसे ही उसने हाथ का इशारा किया,
No one but her lover Sahar. Every eye in the arena was fixed on him. क्योंकि एरेना की जो हर आंख थी, हर व्यक्ति विशेष की जो नजर थी, वो नजर तो उस राजकुमार की थी। इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था, इतना हैंडसम था कि लोगों का मुंह फटाका फटा रह गया था जब उसको देखा था। कहा ना लोगों ने, पीपल गैस बढ़ आया ना, लोग भौचक्के थे, आश्चर्यचकित थे। इतना सुंदर लड़का हमने कभी देखा ही नहीं पहले, और वो भी हमारी राजधानी में रह रहा है। लोग आश्चर्यचकित, तो जितने भी बेटे थे सब उसी को देख रहे थे और कोस रहे थे भगवान से कि भगवान मैंने क्या गलती कर दी, इसी को इतना खूबसूरत बना दिया तूने कि राजकुमारी का दिला गया, हमने क्या किया था। सबके सब क्या कर रहे थे, सबके सब उस राजकुमार को देख रहे थे, सॉरी उस लड़के को देख रहे थे, युवा लड़के को। लेकिन युवा लड़का किसको देख रहा था, क्यों देख रहा था, है तेरे से मेरे को इसी जवाब की आवश्यकता होगी। क्योंकि तेरे जैसे जो लड़के होते हैं ना, जिनके चैप्टर समझ में नहीं आता, पढ़ाई जिनके दिमाग के ऊपर से गुजरती है, जिनको पता ही नहीं होता कि उनका जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, स्कूल में क्यों आते हैं, तेरे जैसे बच्चे से यही उम्मीद थी। वो उसकी प्रेमिका थी तो क्या सबके सामने ऐसे देखेगा, पूरा एरेना भरा है तो वो उसी को देखता रहेगा, पूरा एरेना भरा हुआ है लोगों की भीड़ से तो उसी को देखता रहेगा। उसने उसकी तरफ इसलिए देखा क्योंकि वह उसको विश्वास था कि वो उसको दरवाजे का सीक्रेट बताएगी। अब ये इसके दिमाग में नहीं थी, क्योंकि दिमाग इतना ही है, इसका दिमाग इतना ही है बेचारेगा, इतना ही समझ में आता है सर वो उसका प्रेमी है, वो उसकी प्रेमिका है, इसके उद्देश्य को देख। सबकी नजरें उस लड़के के ऊपर फिक्स थी और उस लड़के की नजरें उस राजकुमारी पर फिक्स थी। मस्तक होने का भय, एवरी आई वॉज फिक्स्ड ऑन द यंग मैन एंड द यंग मैन्स आईज were fixed on the princess by. Every eye was fixed on the young man because he was the most handsome boy in the kingdom. And the young man's eyes were fixed on the princess because he wanted to get an indication of the secret of God for that day. क्योंकि उस दिन के लिए जो दरवाजे का सीक्रेट था, उस सीक्रेट का इंडिकेशन वो उससे प्राप्त करना था, संकेत प्राप्त करना था। He turned and with the palm and rapid step, तुरंत वो मुड़ा और एक determined, यानी कि दृढ़ और तेज कदमों के साथ आगे बढ़ा। द एम्प्टी स्पेस, यानी दरवाजे से लेकर उसके बीच में जो खाली स्थान था ना, जल्दी जल्दी कदम उठाते वो आगे बढ़ा। एवरी हार्ट स्टॉप बीटिंग, जैसे जैसे वो दरवाजे की तरफ जा रहा था तो हर दिल की धड़कने रुक गई। क्या होगा अब, क्या होगा, क्या आएगा बाप। एवरी ब्रीथ वॉज हेल्ड, सारी की सारी सांसें रुक गई। Every eye was upon him. हर नजर उसी के ऊपर लगी हुई थी। Without hesitation he went to the door. बिना किसी झिझक के वो सीधा दरवाजे के पास गया। On the right hand opened it. सीधा दाहिने वाले दरवाजे के पास गया और जाकर उसको तुरंत खोल दिया। बस खोल दिया। The more we think about this question, the harder. Did the tiger came out or that dog or did the lady? अब हमें ये सोचना है कि उस दरवाजे से चीता बाहर आया या फिर महिला बाहर आया, चीता बाहर आया या महिला बाहर आया।
कौन कौन मानता है कि महिला बाहर आई? आप में से कौन कौन मानता है कि उस दरवाजे से महिला बाहर आई? कौन कौन ये मानता है कि उस दरवाजे से चीता बाहर आया? क्यों भाई शर्मा जी, आप बोलो चीता क्यों आएगा बाहर? अरे क्वेश्चन को तो समझो, यदि उसको बताना नहीं होता तो वो सिर्फ लेडी को पता करती। पचास पचास परसेंट इसका वो है, चीता बाहर आ सकता है, लड़की भी बाहर आ सकती है। आपको जवाब में अपना पक्ष रखना होगा। द मोर वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन द हार्डर इज इट टू आंसर। इस पर्सन के बारे में हम जितना सोचते हैं उतना ही ज्यादा इसका जवाब देना कठिन। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, और आसान क्यों नहीं है ये क्वेश्चन, इसका एक रीजन है। It involves a study of the human heart. क्योंकि इस क्वेश्चन के जवाब में मनुष्य हृदय का, मनुष्य के हार्ट का स्टडी शामिल है। आपको मनुष्य के दिल का अध्ययन करना पड़ेगा, आपके मनुष्य के दिल की स्टडी करनी पड़ेगी। Which leads to messages of passion, love, hate, excitement. और मनुष्य का हार्ट वो हार्ट है जिसमें पैशन होता है, जिसमें लव होता है, जिसमें हेट होती है, जिसमें एक्साइटमेंट होता है। मतलब ये सारे गुण उसमें होते हैं। दयालु इतना कि खुद भूखा रह जाएगा अपनी रोटी दूसरे को दे, गरणा इतनी, इतनी गरणा इतनी है कि एक पत्नी अपने पति का कत्ल कर देती है, या फिर इसको छोड़ो गणना इतनी कि व्यक्ति दूसरे को जान से खत्म कर देता है। क्या प्यार भी इतना कि एक पत्नी का पूर्व प्रेमी है और उस प्रेमी की खातिर, प्रेमी के प्यार के लिए पत्नी ने अपने पति को सुना दिया। पढ़ते हैं ना अपन कई बार अखबारों में, चलते ये एक पढ़ता है इसके अलावा इसने कोई समाचार नहीं दिया। हाँ सर, अखबार में आता है। डू नॉट आंसर दिस फॉर योरसेल्फ। इस क्वेश्चन का उत्तर आप सिर्फ अपने आप पर आधारित होकर मत दे देना। मतलब अपने मन से कोई भी जैसे उठ कर सिर्फ चीता आया था, चीता सीता खड़ा नहीं हो सकता थी और बता रहा चीता आया था, दूसरा खड़ा होकर नहीं सर वो लड़की आई थी। तो ऐसे कहने से नहीं, आप सिर्फ कहने से इस बात को कहकर सिर्फ जवाब न दें, उसमें आपके पॉइंट्स को ऊंची क्लियर कर दीजिए। लेखक कहता है बट पुट योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ द प्रिंसेस। आप अपने आप को राजकुमारी की जगह रखिए कि यदि मैं राजकुमारी की जगह होती या होता तो मैं उससे कौन सा दरवाजा खोलवाती या खुलवाता। यहां आपको खड़ा रहकर इस पर्सन का जवाब देना है, इतना आसानी से नहीं। सी वॉज हॉट ब्लडेड, वह गर्म खून वाली लड़की थी, एंड सेमी बार्बेरिक वो थी, और एंड हर साउल बर्न्ड विद द ट्विन डिजायर्स ऑफ लॉन्गिंग एंड जेलेसी। और उसकी आत्मा में आत्मा दोनों इच्छाओं से जल रही थी, एक तो उसको जेलेसी थी, ईर्ष्या थी कि मेरा प्रेमी और वहां, और दूसरा उसको अपने प्रेमी को जाने का दुख कि मेरा प्रेमी और उसका अंत ऐसे, दोनों से परेशान थी। सी नो दैट शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट इट। एक बात तो है कि उसको पहले से ही पता था कि उसकी तरफ से तो वो गया, उसकी तरफ से तो वो गया,
उसका तो वो नहीं रहेगा, क्यों? चीता खाएगा तो वैसे चला जाएगा और बच जाएगा तो किसी दूसरे का हो जाएगा, मेरा क्या बचा, होगा कि नहीं होगा? तो एक बात तो उसके दिमाग में फिक्स थी कि मेरी तरफ से तो मेरा प्रेमी गया, या तो चीता आ जाएगा तो वैसे चला जाएगा भगवान के पास, और चीता नहीं आया तो उस लड़की का हो जाएगा। तो मेरी तरफ से तो ये जा चुका। एंड हाउ ओपन सी है लैंग अवेक एट नाइट इमेजिनिंग द हॉरर ऑफ अ लवर बीइंग किल्ड बाय अ टाइगर। कई रातें, कई रातों को उसको नींद नहीं आई जब उसने ये सोचा कि किस प्रकार से चीता उसके प्रेमी को मार रहा है। उस सीन को भी उसने स्वीकार नहीं किया। इवन इन हर ड्रीम शी हैड कवर्ड हर फेस विद हर हैंड्स टू हाइड फ्रॉम द कल्टी। यानी कि सपने में भी वो खड़ी होकर बैठकर अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेती थी कि उस निर्दयता को वो देख नहीं सकती थी जिस निर्दयता के साथ चीता उसके प्रेमी को मार रहा था सपने में। बट हाउ मच मोर ऑफन हैड शी सीन हिम एट द अदर डोर। लेकिन वो दूसरे दरवाजे पर उसको कितना अधिक देख सकती थी, दूसरे दरवाजे पर कितना देख सकती थी। इन हर माइंड शी हैड सीन and torn her hair when she saw her happy face at appearing the door at the lady। जैसे ही महिला का आई, महिला के आते ही उसने अपने प्रेमी का खिला हुआ चेहरा देखा तो भूतड़ी बन गई वो। उसने अपने बाल बिखेर लिए, अपने कपड़े उतार लिए, मेरा 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 प्रेमी और इस लड़की के साथ नहीं, अपने बाल बिखेर लिए उसने। उस सीन को भी वो सहन नहीं कर पाई। हर साउंड बाइंड इन एगोनी एज शी सॉ हिम रश टू दैट वुमन एंड दैट देन बी वेडेड इन द नेक्स्ट मोमेंट। उसकी आत्मा जलने लगी, आग लग गई उसके सीने में जब उसने अपने प्रेमी को उस दूसरी औरत के साथ जाते देखा, और फिर अगले पल उनकी शादी होने वाली थी। उस स्थिति में जब उसने देखा तो उसके पूरे सीने में आग लग गई। When all about her but joyous, हालांकि बाकी के सब लोग खुश थे। She lived through the misery of the procession, the happy couple, the singing, the dancing and shouts of crowds, यानी कि लोगों की भीड़, वे गाना, वे फूल, वो मालाएं, सबके सब लोग खुश थे, लेकिन वो इस पूरे के पूरे दृश्य से खुश नहीं थी। The laughter of the wandering children, यानी कि इधर उधर भागते हुए बच्चों की कुछ हंसी, हर टीयर्स ऑफ कोर्स वर लॉस्ट इन ऑल द जॉय। लेकिन ये सारी की सारी खुशी उसके आंखों से आंसू बनकर निकल गए। वुड इट बी बेटर फॉर हिम टू डाई एट वंस। वो सोची कि क्या अच्छा रहेगा, उसके प्रेमी का तुरंत मर जाना अच्छा रहेगा, then he could go to the palace after that and beg for her, ताकि वो तुरंत वहां चला जाए और वहां जाकर मेरा इंतजार करेंगे आहू तब तक, क्योंकि मुझे भी आखिर जाना है, तो मेरा प्रेमी मर जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा और वहां बैठकर भी मेरा इंतजार करेगा कि मेरी प्रेमी का आएगी, फिर मैं जाऊंगी, फिर हमारी मुलाकात होगी। तो वो कहता है And yet that awful tiger, those streaks and that blood. और फिर उसने उस चीते को देखा, उसकी चिल्लाने का तरीका, चिल्लाने लगी, और वो खून देखा। Her decision had been made in that instant that she moved her hand. और उसने जो decision लिया था, वो तुरंत उस समय लिया था जिस समय उसने अपना हाथ उठाया था, कि उसने चीते वाला हाथ उठाया था या फिर औरत वाला हाथ उठाया था। See and know that he would ask, उसको ये भी पता था कि वो मेरे से पूछेगा, but she had put off her decision until the last moment. लेकिन अंतिम क्षण के लिए उसने अपना decision बदल दिया था। She finally decided and without hesitation she indicated the right hand door. उसने अपना decision बदल दिया था और बिना झिझक के उसने अपना दाहिना हाथ उठा दिया। This is not a question to be taken lightly. ये पर्सन कोई आसानी से लिया जाने वाला नहीं है। हर डिसीजन बहुत सीरियस फॉर अस। उसका निर्णय उस लड़की के लिए, उस राजकुमारी के लिए बड़ा गंभीर था।
सो आई डू नॉट कंज्यूम टू आंसर फॉर अर, इसलिए मैं तुम्हें उत्तर देने के लिए बातें नहीं करूंगा. आई लीव इट टू ऑल ऑफ यू, मैं तुम्हारे ऊपर इस आंसर को थोपूंगा नहीं, मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ. विच केम आउट ऑफ द ओपन डोर द लेडी ऑफ द टाइगर, तुम ही बताओ उस दरवाजे से चीता बाहर आया था या होगा. अब आपको ही सोचना, सोच के बताओ क्या है ना बेटा. इसके क्वेश्चन आपको करने हैं कंप्लीट, और इसके बाद में आगे का जो मैटर होगा कुछ चेंजेस का वो मैं आपको बता दूंगा. अभी कुछ नहीं करना है आपको, इसके क्वेश्चन जो किताब में दे रखे हैं वो करने हैं. स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग, सी यू टुमारो.